एवरीबॉडी, आज हम हैं हमारे एसएमएस एलुमनाई के साथ जिनका नाम है मोहम्मद हमजा सर। हमजा सर इन्होंने जल्द ही नहीं एक नया नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो आइए कुछ जानते हैं हमजा सर से एसएमएस लखनऊ के बारे में। कैसे रहे थे इनके बीते हुए दिन 2019 में? सर आप थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपके दिन बीते थे 2019 में। बेसिकली हम उसको काफ़ी अच्छा है, रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा टफ थे आज के कंपेरिजन में, काफ़ी ज़्यादा ही थे। अभी थोड़ा लिबरल हो गए हैं सब लोग, टीचर्स वगैरह फ्रेंडली भी हो गए। उस समय बेसिकली एक छुट्टी के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, कम से कम 7 से 8 साल लेना पड़ता था। बेसिकली सर लोग बहुत साथ देते थे, काफ़ी अच्छा मेरे हमें काम किए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत बार एडिटिंग वगैरह गए। सेशन में जो स्टार्टअप्स वगैरह का सेशन स्टार्ट हुआ था उसमें हमारा गया किया, उसके बाद ऐसे मेरे वन रैंकिंग भी मिली और हमने बहुत मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे। हमारे जो डायरेक्टर सर हैं यहाँ सर, उनके साथ बहुत सारे रिसर्च पर बात वगैरह की है, बेस्ट अच्छी चीज़ थी। 2019 से लेकर 2024 में वापस से एसएमएस आए, अब क्या लगते हैं कि अब एसएमएस ने किस प्रकार से चेंजेस किए हैं कि स्टूडेंट्स को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं? बेसिकली उस समय जो देखा था तो क्रिकेट वगैरह, मतलब स्पोर्ट्स में बस वो इनका इंट्रैक्शन रहता था। आप देखा है तो कैंपिंग वगैरह भी होगी, और पीछे हमने देखा सेंटर में एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। फिर हम मैकेनिकल में देखे तो बाकी और बहुत सारे काम हो रहे हैं। थैंक यू सर, आपने टाइम लिया, हम आशा करते हैं कि आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही होगी। थैंक यू।